नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रिटायरमेंट कर्मचारियों की बढ़ सकती है उम्र और पेंशनरों की बढ़ सकती है पेंशन की रकम। सरकार की इस योजना के बारे में दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने दिया है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए, जिसके तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ रही है दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों को काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए पेंशन दी जानी चाहिए। बता दें कि दोस्तों आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो उसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को भी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी और प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं है लेकिन उनका ट्रेन होना जरूरी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, यानी देश की आबादी का करीब 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्ति की कैटेगरी में आ जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।